सीजन की शुरुआत में जैसी नामी 15 साल की लड़की दिखाई जाती है जो अपने सपने में एक साया देखने के बाद डरी हुई थी। जैसी की बड़ी बहन बिया उसे प्यार करते हुए दोबारा सुला देती है। जैसी और बिया लंदन में किराए के एक बेसमेंट में अपने दोस्तों स्पाइक और बिली के साथ रहती हैं। ये चारों अभी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते और इसी तरह अकेले रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह उठने पर जैसी बिल्कुल ठीक थी तो बिया उसे लेकर स्पाइक और बिली को ढूंढने निकल जाती है जो रात को घर से गायब हो गए थे। बिली एक मुकाबले में एक ताकतवर आदमी के साथ लड़ाई करने के लिए गया था ताकि जीतने पर उसे कुछ पैसे मिल सके। स्पाइक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो जीतने के बजाय खुद जख्मी हो जाएगा, लेकिन बिली स्पाइक की बात ना मानते हुए जैसे ही आदमी के सामने जाता है तो बिया वहाँ आकर उसे वापस घर ले जाती है। बिया अपने ग्रुप की लीडर थी इसीलिए सब उसकी बात मानते थे। घर पर बिली इस वजह से परेशान था कि जैसी का इलाज कैसे करवाया जाए जो बुरे सपने आने की वजह से बीमार रहती थी। बिली बिया को इस बात के लिए मना लेता है कि उन्हें किसी के घर काम करके पैसे कमाने चाहिए। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि जैसी अपने सपने में उठकर घर से बाहर जा चुकी थी। एक प्रिंस लियो की गाड़ी के साथ जैसी का एक्सीडेंट होने ही लगता है कि बिया वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अगले सीन्स में बिया जैसी के सपनों से तंग आकर अपनी मदर की कब्र देखने जाती है जहाँ उसे वॉटसन नामी एक आदमी मिलता है। वॉटसन बिया को लेकर कब्र से वापस अपने घर ले जाने के बाद उसे एक जॉब की ऑफर देता है कि बिया को लंदन की कुछ जगहों पर जाकर पैदा होने वाले 4 बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी जो कि किडनैप हो चुके थे। बिया बाकी ग्रुप को साथ मिला के एक सुजैन नामी औरत का पीछा करना शुरू करती है जो उन्हें एक बच्चे के पास ले जाती है जिसका ट्विन किडनैप हो चुका था, लेकिन यहाँ कुछ बर्ड्स इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वॉटसन बिया को कुछ पेपर्स देता है। स्ट्रीट पर बिया प्रिंस लियो से मिलती है। लियो को उसकी बीमारी की वजह से महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है जिस वजह से वो महल में अकेला रहकर तंग आ गया था, इसीलिए लियो किसी को बताए बगैर यहाँ स्ट्रीट पर आ गया था। लियो को बिया तभी पसंद आ गई थी जब उसने बिया को पहली दफा उसकी गाड़ी से जैसी को बचाते हुए देखा था, लेकिन बिया नहीं जानती थी कि लियो एक प्रिंस है। बिया का पीछा करते हुए लियो को पता चल जाता है कि बिया क्या काम कर रही है। लियो वॉटसन के दिए हुए पेपर्स चेक करने के बाद बिया को टाउन और उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ बता देता है जहाँ से बच्चे किडनैप हुए थे। बिया बिली और लियो हॉस्पिटल जाकर एक बच्चे को देख रहे थे कि अचानक वहाँ कुछ बर्ड्स आकर बच्चे को पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ ये स्टोरी मशहूर थी कि हिल्टन नामी आदमी इन बर्ड्स की मदद से बच्चों को पकड़ रहा है क्योंकि वो अपने बेबी को खो चुका था। दूसरी तरफ जैसी एक बुरा ख्वाब देखने के बाद अपने विजन में ही एक लीनन मैन नामी आदमी से मिलती है जो जैसी को उसकी पावर का बता कर चाहता है कि जैसी हिल्टन का पता लगाए। जैसी लंदन के जू में जाती है जहाँ बिया बिली और लियो भी हिल्टन का पता लगवाने आए हुए थे। जू के अंदर उन्हें हिल्टन मिल जाता है जो अपने बेबी के गुम होने का कहकर बर्ड्स को मजीद बच्चे पकड़ने का ऑर्डर दे रहा था। जैसी हिल्टन को हाथ लगाती है तो हिल्टन को विजन में सच नजर आ जाता है कि उसका बेबी पैदा होते साथ ही मर गया था। यही जैसी की पावर थी कि वो लोगों की सोचें पढ़ लेती थी और उनकी मेमोरीज में भी जा सकती थी। हिल्टन अब बच्चे किडनैप करना बंद कर देता है तो बिया अपने काम के पैसे लेने वॉटसन के घर जाती है जिसके फेस पर एक कट लगा हुआ था। वॉटसन सिक्कों की थैली फेंक देता है, लेकिन बिया इस वजह से परेशान थी कि वॉटसन को जैसी की पावर्स का पता कैसे चला। तो वॉटसन उसे इरेगुलर्स के एडवेंचर्स का बताता है कि अभी इन इरेगुलर्स का टास्क शुरू हो चुका है और जैसी अपनी पावर से लंदन को बचाएगी। अब वॉटसन जिन इरेगुलर्स की बात कर रहा है वो ये बच्चे ही है। अगले सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दांत के टूटने के बाद उसे तकिए के नीचे रख देता है कि टूथ फेरी दांत को आकर ले जाएगी। तो एक लेडी नकली टूथ फेरी बनकर आती है और उस बच्चे के टूटे हुए दांत के साथ साथ बच्चे के मुंह से भी सारे दांत निकाल कर ले जाती है। दूसरी तरफ बिया एक शॉप से चोरी करते हुए पकड़ी जाती है तो वॉटसन आकर बिया को बचाता है। वॉटसन बिया को एक और टास्क देने आया था। बिया मना नहीं कर सकती थी वरना काम के लिए उसे किसी और घर में जाना पड़ता जो बिया पर बहुत जुल्म करते थे। अब वॉटसन के दिए हुए टास्क में बिया को उसी टूथ फेरी को ढूंढना था जो बच्चों के दांत चुराती थी। बिया स्पाइक को ये काम देती है कि वो स्ट्रीट में रहकर वॉटसन पर नजर रखेगा क्योंकि बिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वॉटसन क्यों उन्हें ऐसे टास्क दे रहा है। स्पाइक के जाने के बाद वहाँ लियो भी आ जाता है जिसे बिया बिली के साथ कुछ लोगों के इंटरव्यूज करने भेज देती है। बिली लियो को ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वो लियो को बिया का दोस्त बनता हुआ देखकर जेलसी महसूस करता था, लेकिन फिर भी बिली लियो के साथ 2 लोगों को ढूंढने जाता है, लेकिन उनके बजाय वो एक और आदमी से मिलते हैं जो लियो और बिली को डांट कर वापस
भेज देता है। जैसी एक अनाथ आश्रम में जाकर उसी बच्चे से मिलती है जिसके पिछले सीन्स में दांत निकाले गए थे। बच्चे ने अब नकली दांत लगा रखे थे। जैसी के पूछने पर बच्चा जैसी को अपनी मदर के पास ले जाता है, जो अचानक अपने मुंह से कुछ निकाल कर जैसी के ऊपर फेंकने की कोशिश करती है। वहीं बिया आकर जैसी को बचाकर लेडी को बांध देती है, तो जैसी जल्दी से लेडी पर हाथ रखकर पता लगवा लेती है कि यही टूथ फेरी है। और बिया के मना करने के बावजूद भी लेडी मजीद बच्चों के दांत निकालने का इरादा जाहिर करती है। ली और बेली को बाहर एक खोपड़ी और दो क्लोन्स नजर आते हैं, यानी कि लेडी इन दांतों की मदद से अपनी क्लोन टीम बना रही थी। फिर वो इन क्लोन्स के साथ उन सब लोगों को मार देगी जिन्होंने उसे बचपन में बहुत तकलीफें दी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। दूसरी तरफ स्पाइक को स्ट्रीट के एक घर में वॉटसन के नाम पर भेजा जाने वाला एक लेटर मिलता है जो गोल्डन डॉन नामी जगह से आया था। स्पाइक घर से अंदर जाकर एक बेड के नीचे छुप जाता है क्योंकि उसे एक साया नजर आया था, लेकिन स्पाइक सिर्फ इस आदमी के पांव देख पाया था। लेडी एक लड़की के क्लोन को भेजकर उसकी मदद से एक अमीर आदमी ड्यूक पर हमला करवाती है क्योंकि लेडी ये समझती है कि ड्यूक की वजह से उसके डैड ने आत्महत्या कर ली थी। बिली ड्यूक को बचाने उसके पास जाता है। जैसे ही लड़की का क्लोन ड्यूक पर गोली चलाता है तो बिली ड्यूक को बचा लेता है। अब लेडी ड्यूक की वाइफ की क्लोन को भेजती है जो ड्यूक को मारने के बाद बिली को मारने की कोशिश करती है। जैसी ये देखकर लेडी को मारने का मशवरा देती है वरना वो बिली को मार देगी। ये देखकर बिया उस औरत को मार देती है। बिया किसी की जान नहीं लेना चाहती थी जिस वजह से औरत को मारने के बाद वो बहुत उदास थी, तो लियो बिया को इस तरह देखकर उसे छोड़कर महल में वापस ना जाने का फैसला करता है। ये टास्क पूरा करने के बाद जैसी दोबारा विजन में लीनन मैन के पास जाती है जहाँ उसे विजन में एक और साया नजर आता है जो जैसी को मारने की कोशिश करता है। तो लीनन मैन जैसी के हाथ पर मिट्टी से एक तितली का स्केच बना देता है कि अब जब भी जैसी को कोई बुरा सपना आएगा तो जैसी जैसे ही इस तितली पर हाथ रखेगी तो वही सपना खत्म हो जाएगा। वहीं जैसी को पता लगता है कि कुछ इंसानों की वजह से इस दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान बने हुए रिप नामी दरवाजे को खोलने की वजह से बर्डमैन और टूथ फेरी की तरह बहुत से और लोगों को पावर्स मिल रही हैं जो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसी ने रिप को ढूंढना था वरना अगर रिप को बंद ना किया गया तो ये दोनों दुनिया आपस में टकरा कर तबाह हो जाएंगी। घर वापस आने के बाद स्पाइक वो लेटर बिया को दिखाता है जो लेटर पर लिखे एड्रेस की मदद से होम्स नामी आदमी के पास चली जाती है। बिया होम्स से वॉटसन के बारे में पूछती है, लेकिन होम्स खुद वॉटसन की तरह बिया की मदद हासिल करना चाहता था और गोल्डन डॉन के नाम से उनकी एक टीम है जिसके एक मेंबर रिचर्ड का कत्ल कर दिया गया है और बिया ने उस कातिल को ढूंढना है। होम्स बिया को अगले दिन वुडलैंड्स नाम की एक जगह पर होने वाली मीटिंग में आने के लिए भी मना लेता है। दूसरी तरफ बिली और लियो में बिया की वजह से लड़ाई बढ़ती जा रही थी। बिया अपनी टीम को लेकर वुडलैंड्स के एक घर में चली जाती है जहाँ उन्हें एक हफ्ते के लिए रहना था। घर में कुछ और लोग भी मौजूद थे जिनके बारे में होम्स को शक है कि इनमें से ही किसी एक ने रिचर्ड को मारा होगा, यानी कि बिया के ग्रुप ने इन सब पर नजर रखनी होगी। रात के वक्त बिया और जैसी छुपकर उन लोगों को देखती हैं कि वो सब एक मेंबर गस्टाव को अपना नया लीडर बना रहे हैं, लेकिन अगले दिन ही गस्टाव का भी कत्ल कर दिया जाता है। बिया और जैसी को वुडलैंड्स के रास्ते में एक टावर नजर आता है, लेकिन वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि यहाँ जादू किया गया था। बेन लियो और बिली के साथ एक एटिक रूम में जाती है जहाँ उन्हें एक पजल गेम मिलती है। पजल के साथ खेलते हुए उन्हें एक और बुक भी मिलती है जिसके अंदर बिया की मदर और वॉटसन की एक साथ तस्वीर थी, यानी कि वॉटसन और बिया की मदर एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से वॉटसन बिया और जैसी को भी जानता है। दूसरी तरफ होम्स को जैसी की पावर्स का पता चल जाता है कि जैसी को मारकर इसकी ये पावर्स किसी और इंसान को दी जा सकती हैं, इसीलिए वो जैसी को बुरे लोगों से बचाना चाहता है। लेकिन जैसी वहाँ से भाग जाती है और टावर में रहने वाली एक औरत पैट्रिशिया जैसी को कैद कर लेती है। होम्स ये भी पता लगवा चुका था कि पैट्रिशिया ही मैजिक की मदद से मेंबर्स को मार रही है। पैट्रिशिया जैसी पर जादू करके उसे मारने की कोशिश कर ही रही थी कि होम्स वहाँ पहुँचकर पैट्रिशिया पर गन रख के उसे रोकता है। स्पाइक के बुलाने पर जैसी जादू के असर से बाहर आ जाती है और फिर जैसी की जगह पैट्रिशिया खुद मर जाती है और उसके जादू का सारा असर भी खत्म हो जाता है। वुडलैंड से वापस आने के बाद वॉटसन बच्चों के साथ बिया और जैसी की मदर एलिस की खबर पर अफसोस करने जाता है। अब उनका ये टास्क था कि वो एलिस की मौत का राज जान सके कि वो कैसे मरी थी, क्योंकि बिया और जैसी भी इस बारे में कुछ नहीं
जानती थी। लेकिन इस टास्क से पहले वॉटसन उन्हें एक और कातिल का पता करने के लिए भेजता है, जिसे स्किन उतारकर लोगों के फेस बदलने आते थे। बच्चे इस काम के लिए निकल पड़ते हैं। वॉटसन को शक था कि एक डेविड नामी आदमी ये सब कर रहा है, लेकिन तहकीक करने पर उन्हें पता चलता है कि डेविड का 10 दिन पहले अपना मर्डर हो चुका है और कत्ल करने वाले आदमी ने डेविड का फेस पहन रखा है ताकि किसी को असली कातिल का पता न चल सके। वॉटसन ने इस टास्क में एक मेंबर लेस्ट्रेड को बच्चों का लीडर बनाया था। लेस्ट्रेड जैसी की मदद नहीं लेना चाहता, जबकि बिया होम्स के भाई शर्लॉक के बारे में जानना चाहती है। बिया शर्लॉक के कमरे में जाती है तो वॉटसन वहाँ आकर बिया को दोबारा इस कमरे में जाने से मना कर देता है, वरना अगर शर्लॉक को पता चल गया तो वो बच्चों को इस घर से निकाल देगा। इसके बाद बेले बिया और स्पाइक लेस्ट्रेड के पास चले जाते हैं, जो इन बच्चों की मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन जैसी के बगैर वो कुछ पता भी नहीं लगवा सकता था, इसलिए उसे इनके साथ काम करना पड़ रहा था। स्ट्रीट पर जैसी का गलती से एक आदमी के साथ हाथ टकराता है तो जैसी को विजन में क्लारा नामी एक लड़की नजर आती है, जिसका 3 आदमी मिलकर रेप कर देते हैं और अब क्लारा इन आदमियों से बदला लेना चाहती है। जैसी विजन में नजर आने वाली शॉप पर क्लारा को ढूंढने जाते हैं, जहाँ जैसी को क्लारा नहीं मिलती, लेकिन बेसमेंट में उसे क्लारा नजर आती है। लेकिन इससे पहले कि जैसी क्लारा से कुछ पूछ पाती, क्लारा उधर से भाग जाती है। यहाँ लेस्ट्रेड आके समझता है कि जैसी के पास भी क्लारा जैसी डार्क पावर्स हैं, तो शायद इसीलिए जैसी ने क्लारा की मदद करने के लिए उसे यहाँ से भगा दिया है। और फिर लेस्ट्रेड अकेला ही क्लारा को ढूंढने चला जाता है। जैसी लेस्ट्रेड की बातों की वजह से बहुत उदास थी, तो स्पाइक के हौसला देने पर वो दोबारा क्लारा को तलाश करना शुरू कर देती है। और अब उसे एक नई बात पता चलती है कि रेप के बाद क्लारा को एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सारी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब क्लारा उनसे बदला लेने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी दोबारा हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ बिया शर्लॉक के राज को पता करने के लिए एक औरत की मदद से लाइम हाउस में जाती है, जहाँ उसे वॉटसन नजर आता है। बिया को शक होता है कि वॉटसन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब वो इस काम को छोड़कर दोबारा वॉटसन के घर ना जाने का फैसला कर लेती है। इसी दौरान लियो को महल में होने वाली एक पार्टी की वजह से महल में वापस बुला लिया जाता है। यहाँ एक लड़की लियो को ड्रग्स देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो जल्दी ही उस लड़की के असर से निकल जाने के बाद महल को छोड़कर बिया के साथ रहने का फैसला करता है। जैसी को क्लारा अपने असली रूप में मिल जाती है, लेकिन तब तक क्लारा उन आदमियों को मारकर अपना बदला ले चुकी थी। जैसी भी क्लारा को कुछ नहीं कहती, क्योंकि क्लारा अब किसी और इंसान को नहीं मारेगी। जैसी के रिक्वेस्ट करने पर क्लारा उसे उस जगह ले जाती है जहाँ से उसे फेस बदलने वाली पावर मिली थी। जहाँ जाकर जैसी को पता चलता है कि उसे सपने में जिस डॉक्टर का काला साया नजर आता है, क्लारा की उसके साथ कोई डील हुई थी और उसी ने क्लारा को ये पावर दी थी। जैसी क्लारा को जाने की इजाजत देते हुए खुद जंगल में भाग जाती है, जहाँ विजन में वो लीनन मैन से मिलती है। जैसी को अब यही शक था कि उसके सपनों का रिप के साथ कोई ताल्लुक है, तो लीनन मैन उसे बताता है कि वो कुछ दिनों तक रियल में उसके पास लंदन आ रहा है और फिर वो दोनों मिलकर रिप को ढूंढेंगे। रात के वक्त बिया दोबारा अपनी मदर की कब्र के पास जाती है, जहाँ शर्लॉक जमीन पर लेटा हुआ था। यहाँ शर्लॉक के बताने पर बिया को अपनी मदर एलिस की स्टोरी पता चलती है कि 15 साल पहले शर्लॉक और वॉटसन इन डार्क पावर्स को समझने के लिए अपनी एक टीम बना रहे थे। तब उन्हें एलिस मिलती है, जो खुद भी यही काम कर रही थी। शर्लॉक और एलिस की दोस्ती हो जाती है, जो वॉटसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर इस दोस्ती की वजह से एलिस की बेटी जैसी पैदा होती है, यानी शर्लॉक जैसी का बायोलॉजिकल फादर था। एलिस में भी ये पावर थी कि वो विजन्स में सब देख सकती थी, और इन विजन्स की मदद से ही फिर वॉटसन, शर्लॉक और एलिस रिप यानी दरवाजे को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जो दो दुनिया के दरमियान बना हुआ था। एलिस रिप के पास जाती है तो रिप उसे अपने अंदर खींच लेता है और इस तरह एलिस की मौत हो गई थी। और अब जैसी को भी एलिस की तरह विजन्स आते हैं, और इसीलिए वॉटसन ने जैसी को ढूंढ कर उसे अपने टास्क में शामिल किया था। फिर बिया शर्लॉक को एक और चांस देती है, क्योंकि वो रिप की मदद से एलिस को वापस लाना चाहता है ताकि उसके साथ टाइम गुजार सके। दूसरी तरफ बिली एक आदमी विक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब बिली उसके घर काम किया करता था तो विक ने उस पर बहुत जुल्म किए थे। स्पाइक बिली को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ये जानकर चुप हो जाता है कि बिया पर भी इस तरह के जुल्म किए गए हैं। बिली विक को मारने उसके घर जाता है, जो बिली को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि वो बिली की मदर को जानता था। बिली को अनाथ आश्रम में यही बताया गया था कि उसकी मदर उसे जन्म देते हुए मर गई थी, लेकिन असल में वो एक तवाइफ थी जिसने बिली के पैदा होने के बाद खुद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये सुनकर बिली शॉक में आकर विक को मारने के बजाय वापस चला जाता है। अगले सीन्स में बिया और लियो वॉटसन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ
पेशेंट्स की बॉडी पार्ट्स चोरी हो रहे थे। वॉटसन के जाने के बाद बिया और लियो उन पेशेंट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पार्ट्स कटे होने के बावजूद वहां कोई जख्म नहीं था। अब ये एक क्लोन बनाने के लिए डार्क पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बारे में पता लगाने के लिए बिया जेसी को विजन्स देखने का कहती है, लेकिन जेसी उनकी बात नहीं मानती। बिली गुस्से से बेसमेंट छोड़कर चला जाता है, लेकिन बिया के समझाने पर बिली वापस आ जाता है। लियो को महल का एक गार्ड डाइमलर लियो को ये काम करते हुए देखकर उसे महल में वापस जाने का कहता है, लेकिन लियो वापस नहीं जाना चाहता था। बिया टीम के साथ शर्लॉक की बताई हुई जगह पर एडिथ नामी औरत से मिलती है, जो बॉडी पार्ट चुरा कर ये क्लोन बना रही थी, और ये क्लोन एडिथ अपने हस्बैंड सैमी की जिंदगी को वापस लेने के लिए कर रही थी। एडिथ ने वॉटसन को भी कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि कुछ साल पहले एडिथ ने वॉटसन को रिप खोलने के लिए एक पावर दी थी, लेकिन वॉटसन ने धोखा करते हुए एडिथ की मदद करने के बजाय खुद पावर का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश की थी, ताकि शर्लॉक को इम्प्रेस कर सके। वॉटसन का शर्लॉक के अलावा कोई दोस्त और फैमिली नहीं थी, इसीलिए वॉटसन शर्लॉक की हर बात मानते हुए हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता था, ताकि शर्लॉक कभी भी उसे छोड़ कर न जाए। अब एडिथ बच्चों को देखकर यही समझती है कि वो वॉटसन को बचाने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बच्चे एडिथ को मारने आए थे। वॉटसन ये बात नहीं मानता कि उसने पहली दफा रिप को खोला था, यानी कि इसके पीछे किसी और का हाथ है, और रिप के खुलने की वजह से ही डार्क पावर्स इंसानों को मिल रही थी, जिन्हें ये बच्चे मिलकर खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी सैमी उठकर खड़ा हो जाता है और एडिथ को इस वजह से मार देता है कि उसने 15 साल तक सैमी की बॉडी को अपनी लैब में रखकर सैमी की आत्मा को तकलीफ दी थी। इसके बाद वॉटसन आजाद होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शर्लॉक जेसी से मिलने बेसमेंट में जाता है, तो जेसी अपने विजन्स की मदद से रिप का रास्ता समझने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। एडिथ के घर से वापस आने के बाद बिया को लियो के बारे में पता चलता है कि लियो एक प्रिंस है, इसीलिए वो लियो को अपनी टीम से निकालकर वापस महल में जाने का कहती है। बिली की विक से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में आकर बिली विक को मार देता है। फिर बिली को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जेसी टीम से अलहदा होकर शोर पर लीनन मैन को लेने जाती है, जहाँ शिप तबाह हो चुका था और वहाँ मौजूद सब लोग मर चुके थे, लेकिन लीनन मैन जिंदा था। लीनन मैन जेसी से रिप का रास्ता पूछता है, लेकिन जेसी नहीं बता पाती, क्योंकि रिप के रास्ते का विजन देखने के लिए उसे बहुत ज्यादा बहादुर बनना था, जो जेसी नहीं बन पाती। जेसी समझती है कि अब लीनन मैन की मदद से वो रास्ता ढूंढकर रिप को बंद कर देगी, लेकिन यहाँ लीनन मैन का एक और रूप नजर आता है। वो अब तक जेसी की मदद करके उसे अपने जाल में फंसा रहा था, और वो रिप को बंद करने के बजाय उसे ढूंढ कर सब डार्क पावर्स लेना चाहता था। जेसी को यकीन नहीं आता, तो लीनन मैन उसके हाथ पर बनाया हुआ तितली का स्केच खत्म करके उसे खौफनाक सपनों में भेज देता है, जहाँ उसे कुछ साए जिंदा ही जमीन में दफन कर देते हैं। बिया वॉटसन के पास जाकर उस पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने रिप को क्यों खोला था, और अब उसकी वजह से सिटी में बहुत से इंसान मारे जा चुके हैं। वहीं शर्लॉक जेसी को उठाकर लाता है, जो बेहोशी की हालत में थी। शर्लॉक लीनन मैन के बारे में जान गया था कि वो अब लंदन में तबाही मचाएगा, और जेसी के सपनों में लीनन मैन उसे हर तरह से डरा रहा था, और अब इन सपनों की मदद से ही लीनन मैन बर्ड्स मैन की मेमोरीज में जाकर रिप का रास्ता ढूंढ लेगा। शर्लॉक कुछ नहीं कर रहा था, जबकि वॉटसन और बिया लीनन मैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब बिया वॉटसन के साथ अकेली थी, क्योंकि लियो महल में और बिली जेल में था, जबकि स्पाइक बिली को जेल से निकलवाने की कोशिश में लगा हुआ था। वॉटसन और बिया हॉस्पिटल में बर्डमैन से मिलकर उससे रिप का पूछते हैं, तो तभी लीनन मैन वहाँ आकर खुद बर्डमैन की मेमोरीज में जाकर रिप का रास्ता देख लेता है। यहाँ बिया और वॉटसन उसे नहीं पकड़ पाते, तो बाद में शर्लॉक उन दोनों की मदद से लीनन मैन को दो दरवाजों के दरमियान पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लीनन मैन शर्लॉक के कान में कुछ कहता है, तो शर्लॉक फौरन लीनन मैन के साथ मिलकर उसे वहाँ से आजाद करवा कर ले जाता है। दूसरी तरफ लियो को महल में कैद करके उसकी जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश की जाती है, तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर स्पाइक किसी तरह लियो को वहाँ से निकलवा कर उसकी मदद से बिली को भी जेल से आजाद करवा लेता है। इसके बाद लियो, बिली और स्पाइक वॉटसन के घर पर बिया के पास जाते हैं, जो जेसी को उसके सपनों से जगाने की कोशिश करती है। जेसी बिया के बुलाने पर होश में आ जाती है, और सपनों में ही उसे रिप का रास्ता भी मिल चुका था। लंदन की स्ट्रीट्स में हर तरफ तबाही शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डार्क पावर्स आने की वजह से वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और आसमान पर भी अंधेरा छा चुका था। ये देखकर सब बच्चे अपने अपने हथियार लेकर शर्लॉक और लीनन मैन के पीछे रिप तक पहुंच जाते हैं, जहां शर्लॉक और लीनन मैन पहले से ही मौजूद थे। लीनन मैन सब बच्चों को अलग करने के लिए उन्हें हाथ लगाकर खौफनाक विजन्स में भेज देता है, लेकिन जैसे लीनन मैन को हाथ लगाती है, तो दोनों को अपने विजन्स में एक दूसरे की मेमोरीज नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसी देखती है कि
लिनन मैन को उसकी फैमिली ने बहुत दुख दिया था। वो अपने पार्टनर और एक दोस्त से हमेशा जेलस भी हुआ करता था। अब लिनन मैन बहुत देर पहले मर चुका था, लेकिन जब रिप खुला तो वो वापस इस दुनिया में आ गया था और पावर्स हासिल करके सबसे बदला लेना चाहता है। और रिप खुलने की वजह से डार्क पावर्स भी इस दुनिया के लोगों को मिलना शुरू हो गई थी। अब यहाँ सबको ये भी पता चलता है कि सबसे पहले रिप एलिस ने ही खोला था ताकि वो वापस आकर शर्लॉक और जेसी से मिल सके। अब लिनन मैन वापस दूसरी दुनिया में चला जाता है और एलिस इस दुनिया में आ जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अगर रिप को बंद ना किया गया तो ये दोनों दुनिया एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और सारे लोग मर जाएंगे। इसीलिए जेसी एलिस को वापस भेजकर रिप बंद करने लगती है, लेकिन बिया जेसी को ऐसा नहीं करने देती क्योंकि वो एलिस के साथ रहना चाहती थी। जेसी बिया को कुछ खूबसूरत विजन्स में भेजकर उसे मना लेती है, लेकिन शर्लॉक ने 15 साल तक एलिस का इंतजार किया था, अब वो उसके बगैर नहीं रह सकता था। इसीलिए शर्लॉक भी एलिस के साथ रिप में चला जाता है। इसके बाद जेसी जैसे ही रिप बंद करती है तो सारी डार्क पावर्स के खत्म होने की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब बच्चे वॉटसन के साथ एलिस की कब्र देखने के बाद अलग हो जाते हैं। स्पाइक जेसी को पसंद करता था तो वो उसके साथ चली जाती है, जबकि लियो भी बिया को अपने प्यार का बताता है, लेकिन वो बिया के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी अपनी फैमिली के साथ डील हुई थी कि अगर वो बिली को जेल से आजाद करवाएंगे तो लियो उनके कहने पर एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लियो भी वापस महल में चला जाता है और बिया वॉटसन के साथ उसके घर चली जाती है। वॉटसन भी शर्लॉक के बगैर अब अकेला हो गया था, इसीलिए बिया और वॉटसन हमेशा साथ रहने का वादा कर लेते हैं। यहीं पर इस सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।